फर्स्ट स्टॉपेज हमने चंडीगढ़ लिया। सबसे पहले हमने वहाँ पे डिनर किया और फिर डिनर करने के बाद हमारा चाय पीने का मन था क्योंकि बाहर का वेदर बहुत औसम था। मस्त हमने चाय बनवाई और हमने चाय को एंजॉय किया। चाय हमने टेस्ट करी, ऑसम चाय बनी थी, कड़क एकदम। और फिर हम निकल दिए वापस मनाली। मनाली में हमने एंट्री करी सुबह 8 बजे। फिर हमने थोड़ी देर का हॉट लिया, वहाँ से हमने ख़रीदी ड्रेस और फिर हमने खाई मैगी। थोड़ा वेदर को एंजॉय किया क्योंकि वहाँ से रोहतांग पास ज़्यादा दूर नहीं था। बस उसके बाद हम फिर निकल गए रोहतांग पास के लिए, लेकिन वेदर के साथ साथ गरम गरम मैगी अलग ही टेस्ट था, अलग ही इन्जॉयमेंट था। फाइनली हम अटल टनल पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा लक ये है अच्छा कि स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर। अभी जस्ट शुरू हुई है, अभी टाइम हो रहा है 9 AM, बट हमारा बैड लक ये है कि रोहतांग पास बंद है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि सीसू से हम रोहतांग पास के लिए निकले। बट अगर हम पहुंच गए अगर रोहतांग पास भी, तो वहाँ तो मस्त स्नोफॉल होने वाली है। और इसके बाद हम आगे निकलेंगे सीसू से ऊपर, वो हम जगह बताएंगे। बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने की। मैं ज़रूर प्रीफर करूँगा कि वहाँ जो आ रहा है मनाली, वहाँ ज़रूर जाए क्योंकि वहाँ का माहौल इस टाइम पे अलग है। ये अटल टनल से निकल के राइट हैंड मुड़ के रोहतांग पास के लिए रास्ता निकल रहा है। तो इधर की तरफ स्नोफॉल है, बट रोहतांग पास जो है इसके सीधे आगे रास्ता निकलता है। यहाँ से 20 किलोमीटर, तो वहाँ पर हम नहीं जा सकते। आज रोहतांग पास बंद है, बहुत ठंड है भाई, बैंड बजी पड़ी है, स्नोफॉल हो रही है। पानी तो ऐसा है कि जब फ्रेश होने जाए ना, बस वहीं जम जाए। समझने वाले समझ जाओ, जो जो समझा वो नीचे कमेंट कर दो कौन कौन समझ गया भाई, सच में लगी पड़ी है। तो इसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। फुल
है तो जिप्सा हो सकती है, बारालाचा नहीं है, वहाँ रास्ता बंद है। फिर आगे का प्लान बनाएंगे क्या करेंगे। ये हम पत्थरों के बीच में आ गए हैं, इतना क्लोज, और ये हमारे फ्रेंड बैठे हैं संकल्प, जो हमारे साथ आए हैं। फिर टीम पूरी बटी पड़ी है, आधे लोग इधर हैं, आधे लोग इधर हैं, आधे लोग इधर हैं, और ऊपर तक स्नो है भाई। पानी ऐसा है कि इंसान पैर रख रहा है तो बर्फ जम रही है। बहुत सही मौसम हो रहा है, इस मौसम में जो पीने वाले हैं रम मिल जाए ना उसको तो मज़ा आ जाए। सिर्फ ब्रांडी की तरह एक एक गिलास रम का, मेरे पापा मम्मी देख रहे होंगे तो मैं रम नहीं ले रहा हूँ। तो अभी हम फोटो सेशन करेंगे और फिर इसके बाद प्लान बनाएंगे कहाँ निकलना है। आपको अगर यहाँ पे किसी का नंबर चाहिए स्टे करने के लिए या इस ड्रेस के लिए, शूज़ के लिए, तो मेरे को नीचे कमेंट करें, आपको नंबर मिल जाएगा। जानता हूँ मैं उन्हें कुछ नहीं। भाई स्नोफॉल हो रही है गजब की यहाँ पर, और आगे पैदल जा सकते हैं, इधर की तरफ रास्ता बंद है, बटन पैदल जा सकते हैं। तो जहाँ तक आपकी शरीर में हिम्मत हो वहाँ तक पैदल चले, दूर दूर तक, वहां तक लोग हैं। तो इतनी दूर हम जा सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए थे हम वो चीज़ यहाँ एंजॉय कर पा रहे हैं, और हमें यहाँ पर एंजॉय करते हुए 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे बाद सबसे तगड़ी स्नोफॉल हुई है, अभी तक तो हो रही थी जा रही थी, बट ये स्नोफॉल बर्फ़ वाली हुई है, मोटी मोटी बर्फ़ वाली, और बिल्कुल मतलब नेचर ही चेंज हो गया है यहाँ का। उसके बाद मतलब फुल इन्जॉय हो रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं एकदम, ये पूरी स्नो में भर गई है पूरे, आप देख पा रहे होंगे सॉरी स्नो स्नो में हो चुकी है पूरी की पूरी है, बट फुल इन्जॉय हो रहा है। चाय आती है बनकर, मैगी आती है, अभी तक हम 4 चाय पी चुके हैं, 3 मैगी खा चुके हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 4 चाय आते साथ ही लगता है ठंडी हो गई, गर्म चाहिए थी। तो हम बोलते हैं आंटी दोबारा गर्म करके दो, मज़ा नहीं आया, 1 कप और बनाओ। ऑसम वेदर, इन्जॉय। गर्मा गर्म भुट्टे, गर्मा गर्म सर भाई, ये गर्मा गर्म भुट्टे दे रहे हैं सबको, बढ़िया एकदम, और जो कि 2 मिनट में ठंडे हो रहे हैं स्नोफॉल की वजह से, फिर ये गर्म करते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं। स्नोफॉल हो रही हो, भुट्टा और चाय, वेदर एकदम मौसम।
और भुट्टा, मज़ा आ गया।